Today we will learn about why Bhutan is the happiest country of the world and how it becomes the happiest and which strategy it follows. जहाँ पे सारी कंट्री अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप, टेक्नोलॉजिकली डेवलप बनाने की सोच रहा है, वहाँ एक ऐसा कंट्री है जो अपने आप को इन सारी चीज़ों पे तो फोकस करता ही है, लेकिन अपने कंट्री के लोग कितने हैप्पी है इन चीज़ों पे भी फोकस करता है। जैसे कि वहाँ का गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी पे फोकस नहीं करता है, जीएनएच में फोकस करता है, मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं पाया जाता है, फिर भी भीड़ नहीं होता है, सिर्फ ऑफिसर्स होते हैं जो व्हीकल्स को गाइड करते हैं। और भूटान में पॉपुलेशन सिर्फ 8 लाख के पास है, फिर भी यहाँ पे कोई बेगर नहीं है, होमलेस कोई नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई अपना लैंड लूज कर देता है तो वो वहाँ के किंग के पास जाता है और वहाँ के किंग एक लैंड अलॉट करते हैं जिसके वजह से वो अपना लिविंग, अपना ज़िंदगी गुजार सकता है। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश के साथ साथ अपनी कल्चर और लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज दोनों सिखाई जाती है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कर सकें और नेशनल लेवल पे वो अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें, अपनी कल्चर को जानें, अपनी लैंग्वेज को जानें। और यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता और ना ही एमएनसी कंपनी जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी स्टारबक्स हुआ, मैकडोनल्ड्स हुआ, इसको भी अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पे टूरिज्म को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। भूटान में पब्लिकली स्मोकिंग करना एक क्राइम है, टोबैको खाना भी एक क्राइम है। यहाँ पे फ्री एजुकेशन 10th क्लास तक दिया जाता है, यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर जैसा सिस्टम लाया गया है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए। 60% ऑफ भूटान्स पॉपुलेशन डज नॉट नो देयर डेट ऑफ बर्थ। 60% जो लोग हैं वहाँ के उनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता है, वो तो सिर्फ 1 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी आए हुए बहुत कम टाइम हुआ, इसलिए इस कंट्री को वर्ल्ड यंगेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। जो भूटान है वहाँ पे 71% लैंड जो है वो ट्रीज से कवर है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जितना हमें नेचर प्रोवाइड करता है हमें उतना ही उसको देना चाहिए इन रिटर्न। और यहाँ के लोग जितना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा, जितना रिलीज करते हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए भूटान इज़ द ओनली वन टू हैव कार्बन नेगेटिव। भूटान जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है वो है गुड गवर्नेंस, कल्चरल प्रिजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। मतलब यहाँ पे गवर्नेंस अच्छा है, कल्चर को प्रिजर्व किया गया है, कल्चर को इम्पोर्टेंस दिया गया है, डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी नेचर का ध्यान रख के डेवलपमेंट किया जाता है, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी एनवायरमेंट को कंजर्व भी किया गया है। इन सारी चीज़ों के वजह से भूटान एक हैप्पीएस्ट कंट्री है।